नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके साथ साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और हाँ, कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ न्यूज भी आया है जो मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ, क्योंकि वो न्यूज कंपनी के लिए एक पुश मतलब एक बूस्ट जरूर देंगे, क्योंकि कंपनी का न्यूज जो है वो पॉजिटिवली है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको अगर जानकारी पाना है, अगर मार्केट के रिलेटेड आपको अपडेट्स पाना है, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं तो मिस हो जाएगा आपका। तो प्लीज सब कुछ करने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में लेना। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है, कि मैं सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए, मतलब एडुकेट मतलब मेरा जितना नॉलेज है, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्त मार्केट में बहुत पुराना है, तो उनके बहुत सारे नॉलेज होंगे। अगर आप मैंने कुछ गलत अगर बता दिया तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, आपके पास से भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में कौन सा कंपनी का स्टॉक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक जो एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस किया है, कंपनी फंड को रिटेल पब्लिक का और इन्वेस्टर के फंड डबल कर दिया है। ठीक है, सिर्फ रिटेल का पब्लिक नहीं कहूंगा, देखा जाए तो इन्वेस्टर के भी, बड़े बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के भी फंड डबल के आसपास कर दिया, क्योंकि जो कंपनी का प्राइस 50 के आसपास था वो हाई किया है 101 के आसपास, तो इसका मतलब फंड 2x कर दिया। तो निफ्टी भी इतना शानदार रिटर्न नहीं दिया। और इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया, जो अपडेट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो अपडेट आया मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर, आप जाकर मनी कंट्रोल वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे देख सकते हैं, फंड रेजिंग ₹3000 करोड़ QIP सेट टू ओपन टूडे चेक प्राइस। इसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। उससे पहले एक बातचीत कहा गया है कि कंपेयर टू निफ्टी 50 रिटर्न 16% के आसपास, मगर IDFC फर्स्ट बैंक जंप 97.2% इन द सेम टाइम पीरियड। तो सोचिए गवर मतलब किस लेवल में IDFC बैंक ने रिटर्न दिया, और ओवरऑल जो जितने सारे बैंक्स हैं, सारे बैंक्स ने मिलकर 54% के आसपास टोटल ईयरली रिटर्न दिया, तो निफ्टी को अलग लेवल में बीट किया। और यहाँ पे कंपनी ये भी बता रहा है कि जो QIP जो यहाँ पे IDFC बैंक ने 3000 करोड़ के आसपास यहाँ पे ओपन किया है, और वो भी 2021 के हिसाब से आप देखेंगे तो QIP ये क्या होता क्या है। देखिए इसका मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसमेंट। तो जो October 3 में यहाँ पे ओपन किया गया है और CNBC TV18 के रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, तो ये जो डेटा आया, इस डेटा के चलते ही शेयर में कुछ मतलब हलचल देखने को मिलेगा। अभी इस तरीके से डेटा तो आते रहेंगे, तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं। आपको देखना है कंपनी के परफॉर्मेंस किस तरीके से है, अगर परफॉर्मेंस सही है तो कंपनी आगे धीरे धीरे करके जरूर बढ़ेंगे। तो रही बात कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात कर, तो ध्यान से चीज को देखना, मार्केट कैप 63,000 करोड़ के आसपास है, कोई छोटा मोटा बैंक मत समझ लेना। तो कंपनी का पी रेशियो तो ठीक ठाक है, और रिजन मतलब इंडस्ट्री पी रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी कंपनी के खुद की पी रेशियो के हिसाब से देखा है तो ठीक है, क्योंकि हमेशा माना जाता है 10 से 30 के अंदर अगर पी रेशियो है तो वो पी रेशियो बेस्ट माना जाता है। तो ROC ROE दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास है, उतना खास नहीं है, मगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो में देखा जाए तो कंपनी 2300 करोड़ के आसपास हाथ में कैश भी है। अगर यही चीज को मैं दिखा दूं तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का EBITDA मार्जिन भी बढ़ रहा है, कंपनी का देखा जाए तो ROC उतना खास नहीं है, कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट भी उतना खास नहीं है। तो खास क्या है मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाऊंगा। देखिए कंपनी लास्ट कुछ फ्यू इयर्स का जून मंथ का डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूअसली जून मंथ में कंटिन्यूअसली अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया, अलग लेवल में कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, तो सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए, 3900 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4000 करोड़, 4900 करोड़, और इस बार सारे हद को पार कर दिया 6800 करोड़। तो मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि कंपनी अलग लेवल में खुद को मेंटेन कर रहा है। जैसे कंपनी का एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी प्रॉफिट क्या देखिए, लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का दिखा दूं तो 100 करोड़, उसके बाद देखिए 2021 में कंपनी 600 करोड़ का लॉस किए थे, और
ये लॉस कंपनी के अंदर कुछ नहीं हुआ था, कंपनी का एक्चुअली लॉस हुआ था। कंपनी जितना इनकम किए उससे कंपनी के इंटरेस्ट और एक्सपेंस ज्यादा हो गया था, जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में नेगेटिविटी आया। बाकी देखिए फिर से कंपनी रिकवरी किया, 480 करोड़ से 700 करोड़ के 750 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और रही बात कंपनी के जो मतलब बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली रिजर्व को बढ़ाते चले गए, और रिजर्व जितना बढ़ा उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का कर्जा बढ़ा। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर कंपनी का कर्जा लीज लाइबिलिटी में मतलब आरस लाइबिलिटी में आपको दिखेगा तो सोचिएगा कंपनी में ठीक ठाक जगह पे जा रहे हैं, कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर वो ही सारे पैसा अगर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिख जाता तो सोचिएगा कंपनी के अंदर ही कुछ दिक्कत है, जिस दिक्कत को मेंटेन करने के लिए वो कंपनी कर्जा उठाया है। तो यहाँ पे कंपनी का काम है कर्जा उठाना, क्योंकि कर्जा ना ले मतलब ना ले तो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के बाद FSDS पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखे हैं, क्यों ना करे। जो कंपनी एक साल के अंदर अंदर फंड को डबल कर दिया तो उस कंपनी के ऊपर हर कोई तो भरोसा करेंगे ना। तो रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स का, तो इस बात को ध्यान रखिएगा चार्ट पैटर्न में। तो मैंने आपको एक ट्रेड मैंने जो लिया था वो आपको मेंशन भी किया, यहाँ पे कब विथ हैंडल पैटर्न्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे, और उसके बाद इस लेवल में मैंने एंट्री लिया। और मेरा जो टारगेट है वो 120 के आसपास है, मतलब यहाँ तक अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट जो टारगेट बन सकता है वो है 74%। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि अगर 1% मुझे 2 साल में मिले तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस तरीके से ट्रेंडिंग अपटर्न में है मार्केट, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी 1 साल के अंदर अंदर ही टारगेट अचीव कर सकते हैं। बाकी देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि टारगेट कल ही मिलेगा, परसों मिलेगा, 1 साल में मिलेगा, तो कब मिलेगा देखा जाएगा। टारगेट ना मिले यहाँ से गिर कर लॉसेस भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं मार्केट में, कुछ भी हो सकते हैं। आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके भरोसा करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप आपके पैसे को मतलब अलग अलग कंपनीज के ऊपर लगाइए, एक कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पैसा मत लगाइए। अगर एक दो कंपनी डूब भी गया मान के चले, अपने 10 कंपनी के ऊपर पैसा लगा, उनमें से मान के चले 3 कंपनी डूब गया तो कोई बात नहीं, बाकी 7 कंपनी तो आपको प्रॉफिट दे रहा है ना। ये 7 कंपनी जो प्रॉफिट देगा ना वो ही प्रॉफिट आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि इस कंपनी पंप्स एंड डंप करते हैं। देखिये पंप्स एंड डंप का मतलब क्या होते हैं मुझे तो पता है, फिर भी जो कंपनी इतने बड़े है उसको पंप्स एंड डंप करने का उतना ज्यादा साहस नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर हम रिटेल पब्लिक ज्यादा निवेश नहीं किया है, इस तरीके से कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी बने हुए हैं। जैसे आप देखेंगे, देखिए डीएस ने 14-14.5% के आसपास होल्डिंग उठा कर रखे हैं, और एफएस के पास कितना 9.5-10% के आसपास होल्डिंग है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर पंप्स एंड डंप करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मान के चलता हूँ हम और आप रिटेल पब्लिक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, मगर बड़े बड़े जो प्लेयर है वो लाखों करोड़ का पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। तो देखिए बाकी कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट में पंप्स एंड डंप चलते रहते हैं, बहुत सारे फ्रॉड का आरोप लगते रहते हैं, तो उस सारे चीज को देखने के बाद आपको कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे देखिए डेल्टा कॉप आज बंद होने वाला है, मेरे हिसाब से तो डेल्टा कॉप बंद होने वाला है और बर्बाद भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों बर्बाद हो रहा है, क्यों मतलब इतना बड़ा करेक्शन और बिग गिरते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, उसके ऊपर इन डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट में सिर्फ ईएस लिख देना, सिर्फ डेल्टा लिखना, डेल्टा क्रॉप सिर्फ डेल्टा लिखना और ईएस लिखना, ऐसे में मुझे समझ में आ जाएगा। तो इन डेप्थ में उसके ऊपर एनालिसिस देने वाला हूँ कि डेल्टा क्रॉप कितना गिर सकता है और किस तरीके से वो किस कारण के वजह से वो गिर रहा है। तो रही बात कंपनीज के इस टाटा पावर के बारे में, एक ही चीज कहूंगा, टाटा पावर का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिला है, और कंपनी करीबन आज तक के 30,985 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर और ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं। मतलब इसका जितने सारे पावर सेक्टर के जो प्रोजेक्ट है कुल मिलाकर 13,985 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और कंपनी का टारगेट भी ये है कि कंपनी 2025 तक करीबन 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। तो जो चार्जिंग स्टेशन हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाईवे के पास देखने को मिलेगा।
देखिए चार्जिंग स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन तो होना ही चाहिए हर जगह, हर पेट्रोल पंप में, हर जगह पे, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ईवीज गाड़ी खरीदारी करेंगे तो रास्ते में उसको मतलब चार्जिंग करना है, तो चार्जिंग पॉइंट अगर ना मिले तो वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसीलिए हर जगह पे अगर चार्जिंग स्टेशन ज्यादा रहेंगे तो लोग ईवीज गाड़ी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने के लिए जरूर सोचेंगे, और वही टाटा पावर का टारगेट है। देखा जाएगा टारगेट कितना दूर तक फिलअप हो सकते हैं। रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, देखिए जो लोग बोल रहे हैं कि पंप्स एंड डंप कंपनी है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि कंपनी लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बाद प्रॉफिट भी अलग लेवल में जनरेट किया, 2700 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट 466 करोड़ 884 करोड़ और 1141 करोड़, तो यहाँ पे अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे देखू तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, अलग लेवल में बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा बोरिंग्स भी बढ़ रहा है। और कंपनी के टोटल जो लाइबिलिटीज है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। तो सारे चीजों को मतलब मेजर करके देखा जाए तो कंपनी में मतलब पॉजिटिवली थिंकिंग है कि कंपनी आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी देखिए 5300 करोड़ के आसपास इस बार प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा चुके हैं, तो जो पैसा कंटिन्यूसली वो लगाते रहे हैं इसका मतलब कंपनी कुछ अलग लेवल में फ्यूचर के विजन के हिसाब से सोचकर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया था, वो लेवल्स कुछ इस तरीके से था, एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना था, और कफ विद हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे कंफर्म भी हुआ इस कैंडल के बाद, यहाँ पे सॉरी ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल के बाद कंफर्म भी हो चुके हैं, तो मैंने इस लेवल में एंट्री ले चुका हूँ, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 311 रुपीज के आसपास। और इस एंट्री लेवल से अगर टारगेट बने तो ऑलमोस्ट मुझे जो टारगेट मिलने वाले है वो ऑलमोस्ट 21% के आसपास, 21% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। देखिए 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको तो पता नहीं, मगर जब जब मैं इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करके मैं ट्रेड किया हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादातर मतलब 80% तक मुझे प्रॉफिट मिला है, जो मैं आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको भी पता है कि जब जब मैंने इस तरीके से ट्रेड लिया मैंने आपको भी बताया कि आप प्लीज आपके नोटबुक में लिख के रखिए, आपके एक्सेल शीट में ऐड करते रहिए, आप स्टडी करिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से पैटर्न्स में कितना दम है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है LTTS, तो इसका जिसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। देखिए LTTS जो कंपनी है ना वो मेरे हिसाब से फ्यूचर में एक बड़ा ग्रोथ होने के चांसेस जरूर है, क्योंकि L&T ग्रुप के एक अलग लेवल का कंपनी है जो रिसर्च डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी का प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे लग रहा है वो देख लीजिए। कंपनीज इन द एरियाज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम एंड हाईटेक प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस एंड प्लांट एंड इंजीनियरिंग। LTTS कस्टमर बेस जो मतलब इंक्लूडेड 69 जो मतलब फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उसके अंदर भी इसका नाम देखने को मिल चुके हैं। तो एक किस तरीके से कंपनी अलग लेवल में खुद को मेजर किया आप देख सकते हैं। और मैं एक पॉइंट मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा, कंपनी में जो परफॉर्मेंस है ना वो बेस्ट है, क्योंकि कंपनी का ROC ROE देखिए अलग लेवल का है, कर्जा जीरो है, इनकम 1100 करोड़ के आसपास है, 48,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप में 1100 करोड़ का प्रॉफिट है, हाथ में 1100 करोड़ का पैसा पड़े हुए है, तो कंपनी में तो एक थम्स अप तो बनता है ना। तो अगर कंपनी में कुछ अच्छा चीज देखने को मिला तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, मुझे भी पता चलेगा कि आप भी कितना एक्टिव है इस कंपनी के ऊपर। देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो भी शानदार है, परसेंटेज ऑफ एसेट भी बहुत शानदार है, ROC ROE EBITDA मार्जिन सब कुछ बेस्ट दिखेगा। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का अगर फ्यू इयर्स का अगर मैं जून मंथ में से डेटा दिखा दूं तो 2020 में करीबन 1300 करोड़ चलो मान लेता हूं, और 2021 में 1500 करोड़, 2022 में 2000 करोड़, 2023 में 2300 करोड़ के आसपास सेल्स किया, और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद देखिए कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, इस बार 300 करोड़ पिछले बार 2022 में था 276 करोड़, और उसके बाद 2021 में था 217 करोड़ और 2020 में था 118 करोड़। तो इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया, और इसीलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी,
सब कुछ पॉजिटिव में है, उसके साथ साथ सीएजीआर का परसेंटेज भी बिग पॉजिटिव में देखने को मिला। इसका मतलब 5 साल में 23%, 3 साल में 42% और 1 साल में 31% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर और एक चीज मैं आपको बता दूं, एज ए इन्वेस्टर देखा जाए तो प्रोमोटर, एफएसडीएस और पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, उससे पहले एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी कंटिन्यूअसली देखिए एक एवरेज लेवल का बाइंग किया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर। उतना ज्यादा भी बाइंग नहीं हो रहा है, उतना कम भी मतलब बाइंग नहीं हो रहा है, एक एवरेज लेवल का क्वांटिटी उठाया जा रहा है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप एलटीटीएस के ऊपर दिखा दो तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड शानदार तरीके से बना, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। और मैंने आपको ये भी बताया कि कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्म भी हो चुके हैं। अभी देखना ये बाकी है कि कंपनी टारगेट कहाँ तक मिलेगा। देखिए टारगेट जो यहाँ पे मैं फिक्स्ड करके रखा हूँ वो 5,694 के आसपास, तो इस लेवल तक टारगेट मिलने में अगर मुझे 1 साल भी मिले लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 साल में कंपनी जो रिटर्न देने वाला है तो ऑलमोस्ट जो रिटर्न बनने वाले हैं करीबन 32% के आसपास। तो मैं इस तरीके से टारगेट को लेकर चल रहा हूँ और बीच में एक करेक्शन भी हो सकते हैं इस लेवल में, क्योंकि कंपनी का इस लेवल में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है। तो इस लेवल को जरूर मार्किंग करके रखना, याद भी रखना, और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक एडेबल ऑयल बिजनेस के कंपनी है। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो अपडेट है कंपनी का बोनस। तो कंपनी हर एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले है और इसका डेट भी फिक्स कर चुके हैं, 27 अक्टूबर आपको बोनस मिलेगा। तो उससे एक दिन पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा तभी आपको बोनस मिलेगा। एक दिन नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 दिन पहले शेयर को खरीदारी कर लीजिएगा तभी आपको अच्छा खासा बोनस मिल जाएगा। तो वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।